लेट अस डिस्कस इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा है कि अगर कोई स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम मैं हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ले लेता हो और इस ब्लॉक को इसकी मीन पोजीशन से मैं मूव कर देता हूँ, मान लीजिए मैं अपने हाथ से इसको राइट में ले जा रहा हूँ, तो शायद ब्लॉक यहाँ पर कहीं पर आ जाए। लेकिन जैसे मैंने मूवमेंट कर दिया है, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करके ब्लॉक को यहां पर लाके रख दिया है, जैसे मैंने ब्लॉक को राइट में ला लिया, स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ। मतलब जैसा ही मैंने ये ब्लॉक को राइट में डिस्प्लेस कर दिया, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया, वह भी लेफ्ट डायरेक्शन में। उसी तरीके से अगर ब्लॉक लेफ्ट पर आ जाए तो स्प्रिंग जो कॉम्प्रेस हो गया है, स्प्रिंग कोशिश क्या करेगा, ब्लॉक को राइट में ढकेले। इसी का मतलब क्या हो रहा है, मैंने ब्लॉक को लेफ्ट में ढकेल दिया लेकिन स्प्रिंग ऐसे तरीके से कॉम्प्रेस हो गई कि इसने उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर दिया है। इसी को हमने मैथमेटिकली फिट किया था कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो एफ इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टाइम्स एक्स। तो यहां पर क्या था, इट वॉज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन था जिसे मैं ओ कह देता हूं, और ब्लॉक इनिशियली टाइम टी पर, टी जीरो पर यहां पर था, और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ब्लॉक यहां पर है, वो राइट में जा रहा है, उसके पास वेलोसिटी वी है और उसका ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट जो है वह है एक्स, और इस ब्लॉक को ज्यादा से ज्यादा एक्स इज इक्वल टू प्लस ए तक जाते आएगा, या राइट की पोजीशन मैंने बता दी है। तो यहां इक्वेशन क्या है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो कि ब्लॉक है जिसका मास एम था तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट क्यों हो रहा है, तो वो सीधे सीधे हमें समझ में आता है, जैसे जैसे ब्लॉक आगे निकलता है स्प्रिंग जो था हमारे पास वह स्प्रिंग इलोंगेट होते जा रहा है, तो स्प्रिंग तो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर देगा और ब्लॉक मोमेंट इधर कर रहा है, तो ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो राइट वर्ड है लेकिन फोर्स इसमें लेफ्ट वर्ड आ रहा है, मतलब रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर देगा। धीरे धीरे ऐसा करते करते ब्लॉक जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है तो उसने रुकना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर ब्लॉक के पास वेलोसिटी होगी जीरो। चलिए यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, यही हमें देखना था, तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटर्न एज माइनस के बाय टाइम्स के बाय एम टाइम्स एक्स। सो एक्सेलरेशन वॉज रिटर्न एज माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। चलिए एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम डीवी बाय डीटी, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं डीवी बाय डीएक्स टाइम्स डीएक्स बाय डीटी। सो डीएक्स बाय डीटी तो वेलोसिटी होता है, सो इट इज वी डीवी बाय dx, this is acceleration, therefore we can say v dv by dx can be equal to minus omega square times x। इसी equation को हम लिखते थे v dv is equal to minus omega square x, और जो नीचे वाला dx था वह यहां पर आ जाएगा dx। इसी equation को मैं integrate कर देता हूं तो यह आ जाएगा v square by 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट था, और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर बाय टू। लेकिन यहां पर मैंने लिमिट नहीं डाला है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल दिया है सी। सी कितना होगा कैसे जानेंगे हम, हमें पता होता है कि एट एक्स इज इक्वल टू या तो राइट के एक्सट्रीम में या लेफ्ट के एक्सट्रीम में, जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड पर पहुंचता है, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ए, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब होता है तब हमें पता है उसका वेलोसिटी होता है जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह पे हम लोग ए लिख देते तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो यह जो इक्वेशन था जिसे मैं वन कह देता हूँ, तो वन कैन बी रिटर्न एज वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी की जगह पर लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो यह इक्वेशन जो आ गया हमारे पास वह कुछ इस तरीके से देखेगा, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो यह इक्वेशन हमें देखिएगा, v इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट निकाल देता हो तो प्लस माइनस ओमेगा रूट आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह हमारा इक्वेशन है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी जो हमें मिल गया है प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे फिलहाल तो मैं मैग्नीट्यूड में यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं इसे मैग्नीट्यूड में ले लेता हूँ और लिख देता हूँ dx बाई dt। मैग्नीट्यूड लेने की वजह से यहाँ पर मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा हूँ, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो dx डिवाइडेड बाय आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा और यह dt। इसे मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेट करने के बाद यह आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू, यह आ गया ओमेगा और इंटीग्रेशन dt आ गया t। यहाँ पर आ जाएगा प्लस सम कॉन्स्टेंट, तो इस कांस्टेंट को फिलहाल मैं अल्फा बोल देता हूँ। सो एक्स बाय ए कैन बी इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, सो दैट वे एक्स कैन बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। यह एक इक्वेशन आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाला, जिसमें साइन इंक्लूड हो गया। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो समझ लीजिए, कि जैसे ऑब्जेक्ट जो था वह हमने मेन पोजिशन पर रख दिया था, और जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ब्लॉक टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, x इज इक्वल टू प्लस ए तक जा रहा है या फिर x इज इक्वल टू माइनस ए पर जा रहा है। तो इसका मोशन कैसे स्टार्ट हो रहा है उस पर पूरा ये डिपेंड होगा। जैसे कि मैं इसको ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और मैंने मान लिया कि मैंने मेरा एक्सपेरिमेंट जो है या फिर ऑब्जर्वेशन जो है मैंने स्टार्ट कर दिया व्हेन पार्टिकल वाज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और उस समय मैंने टाइम मान लिया टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, किस तरीके से देखेगा, जीरो है डिस्प्लेसमेंट, सो ए साइन ओमेगा, तो इसी का मतलब हो गया, तो ए तो जीरो नहीं हो पाएगा, मतलब अल्फा वैल्यू जीरो होनी चाहिए। देयरफॉर अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्स इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जिसे मैं बोलूंगा मीन पोजीशन या फिर सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, तो उस समय हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें अल्फा जीरो मिल गया है तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से ऐसा जंप स्टार्ट होता, तो जैसे मान लेता हूँ मैं एट टी इक्वल टू जीरो एक्स वॉज एट प्लस ए और माइनस ए, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता था, मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब शायद ब्लॉक यहाँ पर होगा या फिर ब्लॉक यहाँ पर होगा। तो वैसा अगर होता है तो एक्स की जगह पर मैं प्लस माइनस ए लिख देता हूँ, और यहाँ पर तो ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा था ही था, लेकिन यहाँ पर टाइम जीरो हो गया है, तो यहाँ प्लस माइनस वन मिल जाएगा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा मिल जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू हमें चूज करना होगा, तो अल्फा या तो पाई बाई टू होगा या फिर थ्री पाई बाई टू होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर ब्लॉक राइट एक्सट्रीम से, मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई टू ले लूँगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, जिसे मैं कह दूंगा ए कॉस ओमेगा टी। या अगर एस एच एम यहां से स्टार्ट होता एक्स इज इक्वल टू माइनस ए से, तो अल्फा की वैल्यू मैं ले लेता थ्री पाई बाय टू। अगर ऐसा होता तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थ्री पाई बाई टू आ जाता माइनस ए कॉस ओमेगा टी। यह तो मैंने एक्सट्रीम वाली कंडीशन डाल दी है, लेकिन कहीं और पोजीशन से स्टार्ट होता तो शायद मुझे अल्फा का कोई आंसर अलग मिल जाता। तो अल्फा जो होगा उसे हम कहेंगे इपोच, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे देता है हमें, जैसा कि टाइम जब जीरो है तब जो एंगल वाली इन्फॉर्मेशन है, एस एच एम जो स्टार्ट हुआ था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने का काम जो होता है वो अल्फा की तरफ होता है, तो अल्फा कैन बी इपोच।
और यह ओमेगा टी प्लस अल्फा जो होगा उसे हम कह देंगे फेज। तो जो इक्वेशन हमें यहां पर मिला है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं दैट इज dx बाई dt, यह हो जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए इक्वेशन मिल जाएगा हमें a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस अल्फा। तो इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ SHM। उसी तरीके से हमने यह भी देखा है कि d2x by dt square प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो होता है इज इक्वल टू जीरो, तो इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा जो है वह है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ SHM, और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यह हो गया इक्वेशन ऑफ SHM। कंपिटिटिव एग्जाम के लिए अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कई बार ऐसे सवाल पूछा जा सकता है जैसे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस फॉर एग्जाम्पल फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो दिया गया है, और क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। तो इसमें आप कंपेयर अगर करते हो इन दो इक्वेशंस को तो आपको पता चलेगा ओमेगा स्क्वायर का मतलब है फोर, तो ओमेगा हो गया टू, इसका यूनिट भी इसके साथ रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, और टाइम पीरियड जो होता है वो होता है टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो हमें टू पाई डिवाइडेड बाय टू दैट इज पाई सेकंड, यह हमें टाइम पीरियड मिल सकता है। सिमिलरली हम यह भी जानते हैं कि ओमेगा कैन बी इक्वल टू रूट के बाय एम। अगर हमें मास दिया गया है फॉर एग्जाम्पल मास है 2 kg, तो ओमेगा स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते थे के बाय एम, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया है कि यह इक्वेशन जो है इसमें ओमेगा स्क्वायर का मतलब है 4, सो 4 कैन बी इक्वल टू के बाय एम, सो के कैन बी इक्वल टू 4 टाइम्स मास, तो 4 टाइम्स मास कितना है यहाँ पर, मान लीजिए मास 2 किलोग्राम दिया था तो यह हो गया 8, इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, यह हो गया स्प्रिंग कॉन्स्टेंट।